चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 90 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक। क्वेश्चन नंबर 91, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ऑप्शन ए है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट, डी है सस्पेंस अकाउंट। तो ऋण पत्रों के शोधन पे जो प्रीमियम होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 92, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण पत्र शोधन संचय को हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू, ऑप्शन ए है पूंजी संचय खाता में कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी है समान संचय खाता में जनरल रिजर्व अकाउंट, सी है लाभ हानि विवरण में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी समान संचय खाता में जनरल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 93, ऋण पत्रों के शोधन पर लाभ को किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, ऑप्शन ए है पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बी है समान संचय खाता जनरल रिजर्व अकाउंट, सी है लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डी है सिंकिंग फंड खाता सिंकिंग फंड अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पूंजी संचय खाता कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब ऋण पत्रों के शोधन पे जो लाभ होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, ऑप्शन ए है सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, बी है सदस्यों को बोनस अंशों के निर्गमन के लिए फॉर इशूइंग बोनस शेयर टू मेंबर्स, सी है कंपनी के प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, डी है ऋण पत्रों के निर्गमन के बट्टे के अपलेखन के लिए फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 95, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 78, बी है 79, सी है 52 और डी है 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 53। क्वेश्चन नंबर 96, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है। अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन ए है यहाँ पे 77, बी है 78, सी है 52 और डी है 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 52। क्वेश्चन नंबर 98, अंश आवंटन खाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट। मतलब जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता है वो एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 99, अंशों का अधिमूल्य प्रीमियम पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज, ऑप्शन ए है कैपिटल गेन, बी है कैपिटल लॉस, सी है रेवेन्यू गेन, डी है रेवेन्यू लॉस। तो अंशों का जो अधिमूल्य पर निर्गमन होता है वो पूंजीगत लाभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन। क्वेश्चन नंबर 100, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज शोन अंडर विच हेड ऑफ द बैलेंस शीट? ऑप्शन ए है रिजर्व एंड सरप्लस, बी है शेयर कैपिटल, सी है करेंट लायबिलिटीज, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिजर्व एंड सरप्लस, संचय तथा आधिक्य। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।